अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आयत खान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईक्यू मैथ एकेडमी। पिछले लेक्चर में हमने इकिलान और इचिलान फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स एंड रिड्यूस्ड इकिलान और इचिलान फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस किया था और उसके ऊपर हमने कुछ एग्जांपल्स किए थे। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। आज के इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि हम कैसे एक मैट्रिक्स को इकिलान और रिड्यूस्ड इकिलान और इचिलान फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम मैट्रिक्स के ऊपर कुछ ऑपरेशंस करेंगे। अब ये ऑपरेशंस कौन कौन से हैं, एक मैट्रिक्स के ऊपर हम कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं, उन ऑपरेशंस को हम कहते हैं एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशंस। अब एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशंस हमारे पास कौन कौन से हैं। नंबर फर्स्ट, इंटरचेंजिंग एनी टू रोज आर कॉलम्स। कोई से दो रो और कॉलम्स को हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, दैट इज एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस और कॉलम ऑपरेशन। नंबर फर्स्ट के हमारे पास मल्टीप्लाई आ रो, कोई भी रो या कॉलम, मल्टीप्लाई आ रो आर कॉलम बाय एनी कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट नंबर के साथ हम किसी रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नंबर थर्ड, ऐड अ मल्टीपल ऑफ अ रो और कॉलम टू अनदर। इसका क्या मतलब है, ये जो थ्री ऑपरेशंस है दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन। किसी भी दो रो और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई अ रो और कॉलम बाय अ कांस्टेंट, यानी हम किसी भी रो या कॉलम को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तीसरा जो है, ऐड अ मल्टीपल ऑफ अ रो और कॉलम टू अनदर, यानी अगर हम किसी एक रो को किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करें और दूसरे रो के साथ ऐड कर सकते हैं, तो दैट इज कॉल या करें उसको हम कहते हैं मल्टीपल ऑफ वन रो और कॉलम टू अनदर। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये सारे ऑपरेशंस जो है, ये जो अलाउ ऑपरेशंस है, इसको हम यूज़ करेंगे सॉल्व या सॉल्यूशन। मैट्रिक्स हमें दिया है 2 3 2। अब इकिलान फॉर्म की डिफिनीशन को अगर आप देख लें तो हमने क्या करना है कि जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री है इट इज मस्ट बी 1, जिसको हम पिवट एलिमेंट कहते हैं। तो अगर आपके पास इस कॉलम में कोई ऐसी एंट्री है जहाँ पर 1 मौजूद हो, तो हम उन दो रोज आर कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करेंगे। कॉलम में है तो यहाँ पे इसको इंटरचेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डेट ऑपरेशंस। तो यहाँ पर 1 मौजूद है, इसको हम ऊपर लेकर आएंगे, तो 1 2 7 और 4 3 9 2 3 2। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने फर्स्ट और लास्ट रो को आपस में इंटरचेंज किया। तो यहाँ पे ऑपरेशन हम लिखेंगे R1, और ये जो है ये सिंबल इंटरचेंज के लिए है कि R1 को हमने R3 के साथ इंटरचेंज किया। यहाँ पे जो आप रो या कॉलम को रिप्रेजेंट करेंगे उस रो और कॉलम में चेंजेस आएंगी, इसमें नहीं आएंगी। यहाँ जो फर्स्ट आप लिखेंगे उसमें चेंजेस आएंगी, R1 लिखा है तो R1 में चेंज आ गया। ठीक है, इसी तरह ये और ये मैट्रिक्स आपस में इक्विवेलेंट है। इसको हम लिख सकते हैं कि अगर हम मज़ीद इसमें क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को इकिलान फॉर्म में अगर आप कन्वर्ट करते हैं या रिड्यूस्ड इकिलान में, तो रिड्यूस्ड इकिलान से पहले आपने इसको इकिलान फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमारा टारगेट क्या होगा, जो डायगनल है उसके नीचे जो एंट्रीज़ है वो एंट्रीज़ आपने क्या बनानी है, ज़ीरो बनानी है। तो अगर आप इस एंट्रीज़ को ज़ीरो बनाएंगे तो इसका मतलब ये है कि आप इस मैट्रिक्स को अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे फॉर इकिलान फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ से अगर आप देख लें तो फर्स्ट में तो हमने चेंजेस नहीं करनी 1 2 7। अब हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है कि जो फर्स्ट कॉलम है उसके नीचे जो भी एंट्रीज है उन एंट्रीज को आपने ज़ीरो बनानी है। तो हम इसको ज़ीरो बनाने के लिए ऑपरेशंस क्या कर सकते हैं कि R2 में और R3 में ये ज़ीरो बनाना है। तो R2, अगर मैं R1 इस एंट्री को 4 से मल्टीप्लाई करूँ, 4R1 इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँ, और यहाँ पर R3 है यानी रो 3, इस रो को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, तो यहाँ पर देखिए ज़रा इसको 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 1 4,
इस आर टू से ये फोर माइनस करें तो क्या बनेगा, ज़ीरो। तो ये हो जाएगा ज़ीरो। यहाँ पर आपने इस रो को टू से मल्टीप्लाई, फोर से मल्टीप्लाई करें, फोर टू ज़ा एट, तो ये फोर टू ज़ा एट। मीन मैं यहाँ पे ज़रा इसको क्लियर कर देता हूँ। आपके पास आर टू क्या है, आर वन, आर वन है हमारे पास 127। आर वन को मैंने किस से मल्टीप्लाई करना है, फोर से। तो अगर मैं फोर से मल्टीप्लाई करूँगा तो कि फोर वन ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, फोर सेवन ज़ा 28। ये हमारे पास आर वन बन गया। अब इस केस में आर टू से माइनस करना है, तो आर टू क्या है, फोर थ्री नाइन, फोर एट 28। माइनस करेंगे तो ये क्या होगा, फोर से फोर माइनस करें ज़ीरो, थ्री से एट माइनस करें तो माइनस फाइव, और नाइन से 28 माइनस करें तो माइनस 19। तो ये आपके पास आर टू में चेंज किया गया, आर टू हमारे पास बन गया ज़ीरो, माइनस फाइव और माइनस 19। यही ऑपरेशन हमने इसमें भी करना है। तो हम क्या करेंगे, आर थ्री माइनस टू आर वन, तो टू वन ज़ा टू, टू माइनस टू ज़ीरो। इसको आपने टू से मल्टीप्लाई करना है, टू टू ज़ा फोर, तो थ्री से माइनस फोर निकालेंगे तो माइनस वन आ जाएगा। अब आप देखें आर थ्री ये है, और इस एंट्री को किस से मल्टीप्लाई करना है, टू से, तो टू सेवन ज़ा फोर्टीन, तो टू से फोर्टीन निकालेंगे तो माइनस 12। अब यहाँ पर हमारे पास इस के बाद हमने क्या किया, इन एंट्रीज को ज़ीरो का, अब ये एंट्री वाली, ये वाली जो एंट्री है इसको ज़ीरो बनाएंगे। लेकिन इसको ज़ीरो बनाने से पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर अगर हम वन बना ले तो ये ज़ीरो बनाना आसान है। तो इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करें, आर टू इंटरचेंज करें आर थ्री के साथ। तो ये वन टू सेवन ज़ीरो माइनस वन माइनस 12, और ये जो रो है नीचे आ जाएगा ज़ीरो माइनस फाइव और माइनस 19। यहाँ से हम अगर माइनस को ख़त्म करना चाहे तो ये कैलकुलेशन इज़ी, क्योंकि यहाँ पे लीडिंग वन होना चाहिए, तो माइनस वन है, तो मैं माइनस वन निकाल लेता हूँ आर टू से, और माइनस वन निकाल लेता हूँ आर थ्री से, यानी माइनस पे डिवाइड करता हूँ या माइनस वन से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो मैं वन टू सेवन, इसको माइनस से करें तो ज़ीरो, ज़ीरो ही आता है, ये माइनस निकालेंगे तो वन माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन, और ये माइनस मल्टीप्लाई करें तो ये 12, ज़ीरो, और ये 5, और ये 19। इसके बाद यहाँ देखिए, हमने ये एंट्री ज़ीरो कर दी फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में जो नीचे वाली एंट्री है इसको अब ज़ीरो बनाएंगे। अब ज़ीरो बनाने के लिए हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे चूंकि वन बना दिया, ये वन हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये कैलकुलेट करना आसान हो, वन को हमने ये ज़ीरो बनाना है तो इसको वन बनाएं, फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो फाइव माइनस फाइव से क्या बनेगा, ज़ीरो। तो मैं ऑपरेशन क्या करूँगा इसमें, ये हमारे पास आ जाएगा वन टू सेवन, सेकेंड रो आपके पास क्या है, ज़ीरो वन, और ये 12। थर्ड में आपने क्या करना है, थर्ड में हमने इसको आर थ्री में चेंजेस करनी है क्योंकि आर थ्री में ये ज़ीरो बनाना है। तो अगर मैं आर टू को फाइव से मल्टीप्लाई करूँ, आर थ्री माइनस फाइव आर टू, यानी पूरे आर टू, इस रो को फाइव से मल्टीप्लाई करो और फिर इससे माइनस करो थर्ड रो से, तो क्या बनेगा, देखो यहाँ से ज़ीरो से फाइव मल्टीप्लाई करें तो ज़ीरो ही आ जाएगा नीचे, यहाँ से देखे इसको फाइव से मल्टीप्लाई करें, फाइव वन ज़ा फाइव, और फाइव माइनस फाइव से क्या बनेगा, ज़ीरो। यहाँ से देखे इसको फाइव से मल्टीप्लाई करें, फाइव ट्वेल्व ज़ा सिक्सटी, सिक्सटी से आप नाइनटीन से सिक्सटी माइनस करें तो क्या बनेगा, नाइनटीन से सिक्सटी माइनस करेंगे नाइनटीन से तो माइनस 41 आ जाएगा। अब चूँकि ये हमारे पास लोअर डायगनल अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बन गया, अब जब ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बना है तो दिस इज़ इन अ इकिलान फॉर्म। आपने अगर इकिलान फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आपने यहाँ तक इसके ऑपरेशंस करनी है। लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ डिफिनीशंस, कुछ बुक्स जो है वो जो आपके पास ये लीडिंग वन है वो कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी नॉन ज़ीरो एंट्री हो, यानी वन ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो हम कोर्स पढ़ेंगे इस कोर्स में, हमने इनको लाजमी लीडिंग वन बनाना है। तो अब इसको वन बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा वन टू सेवन ज़ीरो वन ट्वेल्व, और ये वन बनाएंगे तो 41 पे डिवाइड करें, यहाँ माइनस 41 पे, तो माइनस वन डिवाइडेड बाय 41 आर थ्री। आर थ्री को हमने 1 डिवाइड बाई 41 से मल्टीप्लाई किया या 41 पे डिवाइड किया,
तो इसको जीरो से मल्टीप्लाई करें तो जीरो ही आएगा, जीरो और इसके साथ करेंगे तो ये वन बन जाएगा। तो अब इसकी जगह अगर आप जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं उसमें दिस इज इन इकिलान फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, लेकिन कुछ बुक्स जो है वो इसको भी इकिलान फॉर्म कहते हैं, यानी यहाँ पर ये लीडिंग वन जो है ये ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर आपके पास कोई भी नॉन जीरो एंट्री हो तो वो कहते हैं कि दिस इज इन इकिलान और इकिलान फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ से आगे हमने इसको रिड्यूस्ड इकिलान में लेकर जाना है, तो रिड्यूस्ड इकिलान के लिए आपने क्या करना है, इसकी जो डायगनल के ऊपर एंट्रीज हैं, ये डायगनल के नीचे तो सारे जीरो हो गए, आपने डायगनल के ऊपर एंट्रीज जीरो करने है, तो सबसे पहले हमने इस एंट्री को जीरो बनानी है, फर्स्ट इस कॉलम को। अब इसको जीरो बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, वन ज़ीरो ज़ीरो और ये टू, ठीक है, वन ज़ीरो। अब यहाँ से हमने क्या करना है कि अगर ये ज़ीरो बनाएंगे तो ये वन क्या है, आर आर टू में चेंजेस करनी है, तो आर टू माइनस ट्वेल्व आर थ्री, और इसमें क्या है सेवन है, तो इसको आर थ्री आर वन माइनस सेवन आर थ्री। तो यहाँ से चलो ये सेवन यहाँ पे लिख दो और ये आर टू और ये ट्वेल्व लिख दो, तरतीब से कर लेते हैं। तो देखें पहले मैंने क्या किया, हमने आर थ्री को सेवन से मल्टीप्लाई, सेवन जीरो जा जीरो, सेवन जीरो जा जीरो, सेवन वन जा सेवन, सेवन वन जा सेवन, अब आर वन से माइनस करें तो यहाँ से वन माइनस ज़ीरो से क्या आएगा, वन माइनस ज़ीरो से वन आएगा, तो वो ऑलरेडी हमने चेंजेस कहाँ पे करनी है, चेंजेस हमने आर वन में करनी है, तो यहाँ पे टू ही आएगा, टू माइनस ज़ीरो से टू, और सेवन माइनस सेवन बन जाएगा तो ये क्या होगा ज़ीरो। सिमिलरली आर थ्री आर टू माइनस ट्वेल्व, तो ट्वेल्व वन ज़ा ट्वेल्व, ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व ज़ीरो। अब ये एंट्री ज़ीरो हो गई, अब इस कॉलम में आ जाते हैं, जब फर्स्ट आपने इसको कर दिया तो अब ये जो एंट्री है इसको ज़ीरो बनानी है, यानी ये वाली, इसको ज़ीरो बनाने के लिए आपने मैट्रिक्स क्या लिखना है, ऑपरेशन कौन सा करेंगे, ऑपरेशन आ जाएगा अगर इसको हम टू से मल्टीप्लाई करें और इससे माइनस करें तो क्या बनेगा, ज़ीरो बन जाएगा ना। तो देखिए आर चेंजेस कहाँ करनी है, आर वन में करनी है, दिस इज़ फर्स्ट रो आर वन माइनस टू आर टू, तो ये आर वन, आर वन में चेंजेस है, तो टू से मल्टीप्लाई करें, टू टू ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, वन माइनस ज़ीरो वन, टू वन ज़ा टू, टू माइनस टू ज़ीरो, टू ज़ीरो ज़ा ज़ीरो और ज़ीरो माइनस ज़ीरो से ज़ीरो आ जाएगा। अब आगे आपने वही लिखना है क्योंकि हमने सिर्फ एक ऑपरेशन किया है, ज़ीरो वन ज़ीरो 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 वन, दिस इज़ इन विच फॉर्म, इन रिड्यूस्ड इचिलान आर इकिलान फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स विच इज़ आल्सो एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ आर्डर थ्री। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम गॉस जॉर्डन और गॉस एलिमिनेशन और गॉस जॉर्डन मेथड को डिस्कस करेंगे। इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसका फ़ायदा हो। थैंक यू।